फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शेयर करेंगे फिंगर चिकन फ्राई की रेसिपी, जो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं फिंगर चिकन फ्राई के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम चिकन ले लिए हैं और इसे हम फिंगर शेप में कट कर लिए हैं। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट फ्रेंड्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया करें। और साथ ही साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। और इसी के साथ हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 टीस्पून यहाँ पे लेंगे हम काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो स्किप कर दें, इसकी जगह 1 नींबू का रस ले लें। और अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ हमने मिक्स कर लिए हैं और ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह के हमें फिंगर शेप में चाहिए। तो इसे हम एक साइड में डाल देते हैं। और अब यहाँ पे हम एक बॉयल लेंगे, उसमें हम 1 कप लेंगे मैदा। साथ ही साथ हम यहाँ पे 1 कप ले रहे हैं कॉर्नफ्लोर। और अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर ही लेना है। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पे फूड कलर ले रहे हैं 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो स्किप कर दें। और इसी के साथ हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस। 1 टीस्पून यहाँ पे लेंगे रेड चिल्ली सॉस। साथ ही साथ हम यहाँ पे लेंगे 1 कप भर कर के दूध। हमें जो ये मसाला तैयार करना है फ्रेंड्स, इसे हम दूध में ही मसाले को तैयार करना है, ताकि हमारे चिकन एकदम जूसी बने फ्रेंड्स और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट ले रहे हैं। सॉल्ट और रेड चिल्ली पाउडर हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लिया करें। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे मसाले को मिक्स कर लिए। और यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 प्लेट में हमने मैदा लिए हैं और 1 प्लेट में पानी है। तो सबसे पहले हम एक फिंगर चिकन को उठाएंगे और इसे हम मसाले में ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम मैदे में ऐड करेंगे। और जितना हम इसे प्रेस करेंगे उतना ही हमारे लेयरदार चिकन बनेंगे। तो इसे हम प्रेस करते हुए 20 से 30 सेकंड लग जाते हैं। तो चिकन को फिर हम उठाएंगे और फिर हम पानी में डिप करेंगे और फिर हम मैदा में ऐड करेंगे। और प्रेस करते हुए फ्रेंड्स एकदम अच्छे तरीके से एकदम लेयरदार बना लेंगे। तो इसी के साथ हमारे 1 फिंगर चिकन बन गए हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारे चिकन कितने लेयरदार बने हैं। बस हमें ऐसा ही लेयरदार बनाना है और जितने भी चिकन हैं हम इसी तरह से बनाएंगे। तो फिर हम इसी तरह एक और चिकन को उठाएंगे और डिप करेंगे मसाले में और फिर हम मैदे में डिप करेंगे। तो इसी के साथ हमारे मैदे में डिप हो गया है और फिर हम पानी में ऐड करेंगे। तो जितने आप प्रेस करते हुए करेंगे, जितना प्रेस करेंगे उतना ही हमारे लेयरदार चिकन फिंगर बनेंगे। तो इसी के साथ हमारे दूसरे चिकन फिंगर भी बन करके रेडी हो गया है। और इसी तरह हम बाकी के जितने भी चिकन हैं सबको हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसी के साथ हमारे जितने भी फिंगर चिकन हैं सबको हमने इसी तरह बना करके रेडी कर लिए हैं। और अब हम चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन ले लिए हैं और इसमें हम पहले से ऑयल डाल दिए हैं। और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और सारे चिकन को हम ऑयल में ऐड करेंगे और सिलो आंच पर पकने देंगे। तो यहाँ पे हमने एक साइड पका लिए हैं और दूसरी साइड हम इसे पलट करके पकाएंगे। तो इसी के साथ हमने सारे चिकन को पलटी कर लिए फ्रेंड्स और सिलो आँच पर पकाएंगे ताकि हमारे चिकन अंदर से एकदम गल जाए। तो सिलो आँच पर कम से कम फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट फ्राई करते हुए लग जाते हैं। और इस टाइम हमारे जितने भी चिकन फ्राई हो गया सबको हम निकाल लेंगे और साइड में हमारे जो भी चिकन बाकी है पकना उसे हम और अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और बाकी के हमारे जितने भी चिकन है वो भी हम ऐड कर देंगे और इसे भी हम फ्रेंड्स सिलो आँच पर ही पकाएंगे। तो इसी के साथ हमने सारे चिकन को ऐड कर दिए हैं और इसे हम पलटी करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के ये चिकन फ्राई बनते हैं फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।
और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमारे दूसरे चिकन भी फ्राई हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। और बाकी के हमारे दो चिकन हैं जो अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है, तो इसे भी हम फ्राई कर लेंगे और इसे भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। और थोड़ा सा हम गार्निशिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चिकन कितने ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी बना है और देखने में कितना क्रिस्पी लग रहा है। और थोड़ा सा हम तोड़ करके दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारे चिकन अंदर से भी कितना गला हुआ बना है। आई होप के फ्रेंड्स हमारी ये चिकन फिंगर फ्राई की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।